वेलकम टू माय चैनल आप ऋषि वास्तव। जैसा कि लॉकडाउन का होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज बच्चों को होमवर्क दिया गया है दिस एंड दैट। आज हम बच्चों को दिस एंड दैट टीच करेंगे अच्छे से, और दिस एंड दैट टीच करने से पहले हम बच्चों को उसकी हिंदी बताएंगे। तो दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स होता है वह। जब भी हम किसी चीज़ को टीच करते हैं उसे आना हमें ज़रूरी है। पहले हम जब तक नहीं अंडरस्टैंड होंगे तब तक हम बच्चे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो आप मॉम्स में से अगर जिसको दिस एंड दैट का यूज़ करना नहीं आता है वो अच्छे से यहाँ पर अंडरस्टैंड हो सकते हैं। तो दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स होता है वह। दिस का यूज़ नियर के लिए किया जाता है, नियर मीन्स होता है पास, एंड दैट मीन्स होता है, दैट का यूज़ फॉर के लिए किया जाता है, और फॉर मीन्स होता है दूर। नियर मीन्स होता है पास, फॉर मीन्स होता है दूर। जब कोई चीज़ हमारे नियर होती है, जस्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, दिस इज ए पेंसिल, दैट इज ए कॉपी। दिस इज ए पेंसिल, दैट इज ए कॉपी। इन दिस टाइप आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। आप बहुत से घर में हमारे बहुत सारी थिंग्स होती हैं उनको दिखा करके बोल सकते हैं। अगर कोई चीज़ उसके नियर हो तो क्या बेटा, दिस इज ए पिलो एंड दैट इज ए सोफा। इन दिस टाइप आप बच्चों को टंग पे चढ़ा सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग भी करा सकते हैं, और बहुत ईजी होता है। जब प्रैक्टिकली आप बच्चों को बताएंगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा कि जब मम्मा बोल रही है, जब कोई चीज़ नियर होती है तो वहाँ पे दिस का यूज़ होता है, जब कोई चीज़ फॉर होती है तो वहाँ पर दैट का यूज़ होता है। तो बहुत ईजी वे में बच्चे अंडरस्टैंड हो जाएंगे। दिस का यूज़ नियर के लिए, नियर मीन्स होता है पास, और फॉर मीन्स होता है दूर, दैट का यूज़ फॉर के लिए किया जाता है। आज हमने बच्चों को दिया है, आप जब भी यहाँ पर पिक्चर्स मेक करेंगे और बच्चों से आस्क करेंगे तो आप इन दिस टाइप आस्क करेंगी, मॉम्स व्हाट इज दिस, तो बच्चा आंसर देगा दिस इज ए हैंड, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर्स की मेक हुई है, यहाँ पर पिक्चर मेक हुई है हैंड की, तो हम यहाँ पर हैंड की स्पेलिंग राइट करेंगे, तो दिस इज ए हैंड। इसी तरह से गन ले लीजिए, तो व्हाट इज दिस, दिस इज ए गन, जी यू एन। हमने बच्चों को जितना भी वॉवल साउंड हम लोगों ने बच्चों को टॉट किया है, तो उन स्पेलिंग्स में ही बच्चों को आप पिक्चर मेक कर सकते हैं, कि बच्चों को अलग से पिक्चर्स लर्न करने के लिए, अलग स्पेलिंग लर्न करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो भी हमने वॉवल साउंड में जितने भी पिक्चर्स बच्चों को मेक करके और लर्न कराया, आप वही पिक्चर्स बच्चों को यहाँ देंगी दिस एंड दैट यूज़ करने के लिए। अब जैसे मैंने यहाँ बस, हम लोगों ने वॉवल साउंड यू में बच्चों को टॉट किया हुआ है, तो दिस इज ए बस। इसी तरह से दिस इज ए टिन एंड दिस इज ए बैट। आज बच्चे पिक्चर्स के राइट करके स्पेलिंग देन उसकी प्रैक्टिस करेंगे, दिस इज ए बस, दिस इज ए टिन एंड दिस इज ए बैट। ये तो हुआ नियर, तो यहाँ पर जब मैंने पिक्चर्स कहाँ मेक की है, नियर मेक की है, ये देखिए सारी पिक्चर्स यहाँ पर नियर मेक की गई हैं, तो यहाँ बच्चे को दिस का यूज़ करना है। देन अब हम बच्चों को दैट बताएंगे, दैट मीन का यूज होता है फॉर के लिए, दैट मीन्स होता है वह, तो व्हाट इज दैट, वह क्या है, तो दैट इज ए कप, कप इज नॉट नियर, कप इज फॉर, तो दैट इज ए कप, हम क्या यूज करेंगे, दैट इज ए कप, तो बच्चे को यहाँ पे कप की स्पेलिंग राइट करनी होगी। इसी तरह से दैट इज ए काइट, दैट इज ए फिश, दैट इज ए मैंगो, दैट इज ए बॉल, दैट इज ए टब, दैट इज ए जग, That is a doll, that is a pin, and that is an ink. तो in this type आप बच्चों को आज this and that practice कराएंगे, और ये practice हम बच्चों को अभी 3-4 दिन हम लोग को this and that explain करने में लगेगा। Then next subject है हिंदी, next subject है हिंदी। हिंदी में आज बच्चों को हम लोगों ने वर्ण दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं बच्चों को, दो वर्ण वाले, और उन बच्चों को शब्दों को मैच करना है उन पिक्चरों से। यहाँ पर दिए हुए मैंने कई पिक्चर्स मेक की हुई हैं, बच्चों को उन शब्द से मैच करना है। जैसे यहाँ पर गज है तो बच्चे को गज से मैच करना है, इसी तरह से जग है तो बच्चे को जग से मैच करना है। तो इन दिस टाइप आज बच्चे नल, गज, फन, खत, टब, जग, और उसके बाद आप पिक्चर मेक कर देंगे गज की, जग की, फन की, टब की, खत की, नल की एंड खग, इसे खग बोलते हैं हिंदी में, कबूतर को खग बोलते हैं। तो बच्चे को आज उस चित्रों को शब्दों से मैच करना है। देन नेक्स्ट है तीन वर्ण वाले अक्षर, हम बच्चों को अब रिविजन कराएंगे। यहाँ पर श, ह, द, शहद, कमल, कमल, बच्चों को जोड़ के राइट करना है। रबड़, महल, महल एंड गगन, गगन। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में बच्चों को आज 11 से लेकर 20 तक आप नंबर्स नेम देंगे राइट करने के लिए, और बच्चे ने कॉपी स्पॉइल कर दिए तो मैंने यहाँ पे थोड़ा कलर कर दिया है, तो यहाँ आप उसे छोड़ दीजिए। ये देखिए नंबर्स नेम राइट करेंगे बच्चे 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 and 20। देन शेप्स नेम की शेप्स को बच्चे शेप के साथ मैच करेंगे आज। सर्कल को सर्कल से मैच करना है, ट्रायंगल को ट्रायंगल से मैच करना है, स्क्वायर को स्क्वायर से, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से, ओवल को ओवल को। हम लोग यहाँ पे फाइव ही पिक्चर फाइव ही शेप्स आप लोगों को मेक करने हैं, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ओवल। देन इधर आपको वो इन दिस टाइप आप मेक कर लेंगे शेप्स को और बच्चे उसे सर्च करके मैच करेंगे। आई होप अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।